देखिए हम बात कर रहे हैं पोलरिटी के ऊपर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यानी एप्लीकेशंस ऑफ पोलरिटी पे या डायपोल मोमेंट पे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, देखिए कोई भी बॉन्ड पॉलर होगा तो उसमें आयनिक करेक्टर होंगे, ये बात तो स्वाभाविक है। यानी हम फर्स्ट पॉइंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इन केस ऑफ पॉलरिटी आयनिक करेक्टर विल जनरेट, विल जनरेट। तो अगर कोई भी कंपाउंड में पोलरिटी है तो आयनिक करेक्टर जनरेट होगा ही। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो, अगर मेरे पास दो फ्लोरीन है तो नॉन आयनिक, यानी कि नॉन आयनिक करेक्टर रहेगा, और HF के बारे में बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा पोलरिटी भी होगी, पोलरिटी, और सेकंड आयनिक करेक्टर होगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। थर्ड, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और हमारे पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब हमारे पास सीधा सीधा है कि यहां पर आयनिक करेक्टर है, यस और नो। यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक और पॉइंट है, मोर द वैल्यू ऑफ, हाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई एन, ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हैव मोर पोलरिटी एंड मोर परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, तो इस बात का फायदा दो अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया, कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस हम बात करेंगे ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट बाय मैथमेटिकल मेथड, बाय इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड, या हम बात बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बाय द हेल्प ऑफ ई एन। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम है तो आप इसको ले सकते हैं, लिखिए ये। हाँ भी हम बात कर रहे हैं उसी इक्वेशंस को आगे ले जाते हैं, यानी फर्स्ट कैलकुलेट ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर बाय इक्वेशन मेथड, बाय इक्वेशन मेथड डिफरेंस, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड। यानी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होनी चाहिए तभी हम ये यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मना कर देंगे। ये इक्वेशन हमारी क्या है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह की है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ई, ई एन आई है, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ई एन, ठीक है। तो यदि आपको दोनों एलिमेंट्स के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है
तो एग्जामिनर आपसे ये इक्वेशन का यूज कराना चाह रहा है और आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी। परसेंटेज आयनिक करेक्टर ये हो गया, तो परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज आयनिक करेक्टर। पहली चीज, अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ओनली फॉर सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड, जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। पक्का एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए तो आप किसी बॉन्ड के लिए तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बता सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए नहीं बता सकते। तो यही मैंने लिखा है, इन बाय अबव इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए गिवन सिंगल बॉन्ड, वी कैन नॉट कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन कोवलेंट बॉन्ड। यानी आप OH बॉन्ड का बता सकते हो H2 में, लेकिन पूरे H2O का परसेंटेज आयनिक करेक्टर आप नहीं बता सकते इससे, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, हमसे तो पूछेगा भी वो किसी AB टाइप या BA या CD टाइप बॉन्ड के लिए, तो एक एग्जांपल परसेंटेज आयनिक करेक्टर एंड परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर ऑफ HF बॉन्ड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर रिस्पेक्टिवली 4 एंड 2.1 दिया गया है। HF है, बॉन्ड भी दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 2.1 1.9, इक्वेशन हमें मालूम है, हमने रख दिया डेल्टा EN की वैल्यू 1.9 रख दिया। दिस 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 अप्रॉक्सीमेट, ये हमारे पास 30 के आसपास है, ये हमारे पास 14 के आसपास है, 44% आयनिक आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट आपके लिए परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर क्या आएगा, 100 माइनस 44 करेंगे, वैल्यूज क्या आएगी, 56 परसेंटेज में। तो ये इसके लिए परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। हाँ या ना, ये चीज आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया। ये मेथड आपके लिए क्या है, एक तरह से क्या बता रहा है, आयनिक और कोवलेंट करेक्टर ऑफ ए सिंगल बॉन्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर गिवन इन मॉलिक्यूल। अब दूसरा पॉइंट, क्या हमारे पास कोई और मेथड भी, हाँ हमने अभी अभी डायपोल मोमेंट पढ़ा है ना, तो उस डायपोल मोमेंट को कैसे हम यूज करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको लिखते हैं हम कि डायपोल मोमेंट से हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर एंड कोवलेंट करेक्टर। देखिएगा, तो मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं, बाय डायपोल मोमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए ये हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी इन दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ द डायपोल मोमेंट। Is that clear? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आपके पास ए और बी बॉन्ड दिया हुआ है, यहां पर भी ए और बी बॉन्ड दिया हुआ है। दो बातें हो सकती है, पहली इसके ऊपर पूरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, और दूसरी इसके ऊपर पार्शियल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, यानी डेल्टा की वैल्यू E/4, E/3 कुछ भी हो सकता है। कौन सी ज्यादा आपको रियल लग रही है, ये रियल है और ये क्या है, आइडियल। तो ये रियल केस होगा और ये क्या हो जाएगा, आइडियल, आइडियल केस हो गया। यदि ये होता है तो हमेशा परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होगा, 100%, और इस जगह म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू हम बोलेंगे इसको थ्योरिटिकल, और क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, क्यू की वैल्यू ई मल्टीप्लाई बाय डी। सही है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व, क्योंकि यही रियल है तो इसको बोलेंगे ऑब्जर्व, और ये भी हमारे पास डायपोल मोमेंट हमेशा क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, और क्यू की वैल्यू यहां पर क्या है, डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डी। यहां परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा इस जगह, 100%, और यहां परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होगा, लेस देन 100%। ये बात तो क्लियर है, ये वैल्यू छोटी होगी क्योंकि डेल्टा की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कम है, डेल्टा की वैल्यू ई से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो ये वाली वैल्यू क्यों, और ये क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ई से कम है, डेल्टा 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे, तो क्या हम इन दोनों के हेल्प से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं, हाँ। कैसे निकालेंगे, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो ये हमारे को क्या बताएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर दस ऑफ द बॉन्ड। क्या ये भी वैसी ही लिमिटेशन रखता है, हाँ। इससे हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड, हम मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकाल सकते। तो बाय अब ये पॉइंट यहां पर भी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय अबाउ इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज
वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए सिंगल बॉन्ड वी कांट कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन कोवलेंट बॉन्ड ये इसकी भी लिमिटेशंस हो गई। इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारे पास कैसा होगा, बहुत आसान है। देखिए एग्जांपल, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ ए एच एफ बॉन्ड के लिए हमारे पास वापिस परसेंटेज आयनिक करेक्टर पूछ रहा है। इफ म्यू ऑब्जर्व, हमें म्यू ऑब्जर्व दिया गया है, कुछ ना कुछ तो देगा ये, यानी ये चीज डायरेक्ट दे देगा वो, और किस में देगा वो, खासतौर पे डिवाई, उसको पसंद देता यूनिट क्या है, डिवाई। मैं अभी थोड़ी देर के लिए वैल्यूज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ एच एफ बॉन्ड इज 1.2 अंगस्ट्रम दिया गया है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें सब चीज दिया हुआ है या नहीं है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम जानते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्जर्व कैसे, डायरेक्ट ही दिया है, हम डायरेक्ट ही रख लेते हैं। कितना दिया हुआ है हमारे को, अभी हमने रखी नहीं है वैल्यू, रख थोड़ी देर बाद रखेंगे। थ्योरिटिकल क्या होगा हमारे पास, क्यू मल्टीप्लाई बाई डी, यानी ई मल्टीप्लाई बाई डी, म्यू ऑब्जर्व चलने दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100। ई की वैल्यू कितनी होती है, 4.8 × 10⁻¹⁰ ई एस यू, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट जो भी आप बोलते हैं। डी कितना दे रखा है, 1.2 × 10⁻¹⁸, किस में चेंज हो चुका है ये, ईएसयू सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। अब ईएसयू सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है, 100 हमारे पास है ही ऊपर। अब थोड़ी सी मदद आपको करनी पड़ेगी कि अपन ने पहले निकाल लिया था लगभग 40 के समथिंग हमारा आंसर आ जाए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4.8 को 1.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के आसपास ये आ गया, और 5 का 40% कितना आ जाएगा, लगभग 0.3। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि 3.2 डिवाई, ये लिख लीजिए, अब बहुत सही आंसर आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर तो दोनों से सेम आया हमारे लिए। तो 3.2 डिवाई है, अब ये हमारे पास हो गया, डिवाई को चेंज करो ईएसयू सेंटीमीटर में, हो गया। तो बताइए अब ये क्रॉस कैसे होंगे, ये 10, ये 18 से ये पूरा क्रॉस हो गया, 32, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 2/3, ये हमारे पास 0.6, तो 1 / 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 18, तो 1.8 हो गया, और हमारे पास 100 है, तो कितना हो जाएगा ये, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, हमारे को वो 3.2 की जगह 3.0 रखते तो हमारा आंसर और इजी आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को सिर्फ समझाना था आपको। तो कितना आ रहा है ये, लगभग 53-54%। आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आपको कंसेप्ट से मतलब है, तो इतना परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ गया है आपके पास। ऑब्जर्व को कैसे रखना है, जो दिए उसे डिवाई को ईएसयू सेंटीमीटर में रखना है, थ्योरिटिकल की वैल्यू ई डी होती है, ई की वैल्यू 4.8 × 10⁻¹⁰, और डी की वैल्यू अंगस्ट्रम है, उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आप जानते हैं, 100 करा, बस खत्म, सो इजी। और परसेंटेज अगर कोवलेंट निकालना हो तो इसको 100 में से माइनस कर दो,
कोई डाउट नहीं है, श्योर लॉक कर दें। तो ये हमारे पास एक छोटा सा अप्रोच है जिसे हम डायपोल मोमेंट से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज आइनी करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो इन सबको लिखें आप।